आप सभी का स्वागत है। अभी मैं बात करने वाला हूं बिहार स्टेट के एमबीबीएस बीडीएस यूजी मैक रिजल्ट के बारे में। देखो, पहले रिजल्ट 20 अगस्त को आने वाला था, फिर एक्सटेंड करके 22, आज 24 हो गया। आप सभी इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज लगातार आ रहा है कि भैया क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है। मैंने कल एक स्टूडेंट से फोन करवाया था, उनके एकदम क्लियर रिस्पॉन्स था, आज शाम तक यानी कल 23 अगस्त के शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। उनका कहना था कल भी नहीं आया, अगर मैं पता करवाऊं या मैं कॉल करवाऊं, उनका रिस्पॉन्स एक ही आएगा कि हाँ शाम तक जारी हो जाएगा। देखो क्या है ना कि बिहार स्टेट का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है। रिजल्ट आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, इसमें नो डाउट। लेकिन आप सभी देखो, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स का लगभग ऑल इंडिया कोटा राउंड वन एंड हो गया है, सेकेंड स्टार्ट होने को है, या किसी किसी स्टेट का सेकेंड राउंड का भी रिजल्ट आ गया है। अब बिहार का इतना बुरा हाल आप सभी सोचो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है ना, अनपढ़ गवार मिनिस्टर बनेंगे तो यही होगा, 10वीं 12वीं पास बनेंगे मिनिस्टर यही होगा। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, एडुकेटेड लोग मिनिस्टर नहीं बनेंगे। यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है। खैर एनीवे, पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, मैं आप सभी को बता दूं, वेट करो, परेशान ना हो। मान लो कि 1-2 दिन और लेट हो सकता है, बस मुझे आप सभी को इतना ही कहना है। देखो मैं झूठ मूठ के कहूँ हाँ शाम तक रिजल्ट आने वाला है, ये बिहार स्टेट में कुछ भी हो सकता है, शाम तक भी आ सकता है, या ये लोग 2-4 दिन जारी भी नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ का हाल है। तो आप सभी वेट करो, पेशेंस रख लो कि 2-3 दिन लेट हो सकता है, शाम तक आ गए तो ठीक है, जैसे आता है मैं आप सभी को नोटिफिकेशन दे दूंगा। आप सभी पेशेंस रखो, कोशिश करो, रैंक ज्यादा है, ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लो अगर लेट हो रहा है तो। अगर 25 तक वेट करो, अगर 25 तक रिजल्ट नहीं आता है, आप सभी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले लो। उसके बाद अगर बिहार का रिजल्ट आता है लेट से, तो 31 तक राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा रिजाइन है, ज्वाइन करके स्टेट में लेना। आई बात समझ में? 25 तक वेट करो, अगर ज्यादा दूर है तो अपना फ्लाइट का टिकट करा लो। 28 राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा का लास्ट डेट है एडमिशन का, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करा लो। बस मुझे आप सभी को यही बताना है, बिहार स्टेट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। बस मुझे आप सभी को यही बताना है, मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आप सभी को अपडेट देता रहूंगा।